चलिए तो फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। आज देखेंगे एनोलॉजी के क्वेश्चन, संबंध के क्वेश्चन, सैनिक स्कूल में किस तरह के संबंध के क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पे ये रहा, मोटर कार जो है गैरेज में खड़ी होती है तो हवाई जहाज कहां पे रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, कुछ लड़कों का आंसर भी आने लगा। चलिए ये सेशन लाइव चल रहा है, आगे आपको ये चीज यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी जाएगी बाद में। ऑप्शन नंबर बी हैंगर, हैंगर यानी विमानशाला, विमानशाला को क्या बोलते हैं, हैंगर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखो चिड़िया का संबंध है मछली से। ठीक है, चिड़िया का रिलेशन यहाँ पे दिखाया गया है मछली से, तो आपसे पूछ रहा है कि हवाई जहाज का किससे होगा, हवाई जहाज का किससे होगा। तो चिड़िया कहाँ रहती है, आकाश में, मछली कहाँ रहती है, पानी में, हवाई जहाज कहाँ रहता है, आकाश में, बताओ पानी का जहाज कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो धागा का संबंध है कपड़े से, यानी कपड़ा, एक एक धागा बुनकर आप कपड़ा बनाते हैं, तो तार को बुनकर क्या बनाएंगे, जल्दी से ऑप्शन बताओ। देखो ऑप्शन ए नहीं होगा भाई, ऑप्शन ए नहीं होगा, रस्सी नहीं होगा, तार से आप रस्सी नहीं बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जाली बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जाली, क्या बनाएंगे, जाली। ठीक है, तो जैसे धागा को आप एक एक बुनकर कपड़ा बनाते हैं, उसी तरह तार को आप एक एक बुनकर जाली बनाएंगे। हाँ, इसका बाबू बी होगा, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंख का संबंध है निकट दृष्टि से, आंख का संबंध है निकट दृष्टि, निकट दृष्टि एक बाबू आंख की बीमारी है, निकट दृष्टि क्या है, आंख की बीमारी। तो आपसे पूछ रहा है कि दांत का संबंध किससे है, यानी दांत की कौन सी बीमारी इसमें हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए पायरिया दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी मोतियाबिंद दिया हुआ है, तीसरा ट्रेकोमा दिया हुआ है, चौथा आपका छाजन दिया हुआ है। देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मोतियाबिंद तो आंख की बीमारी होती है, ठीक है, ट्रेकोमा जो होता है ना ये भी एक आंख की बीमारी है, आंख में इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो इससे रोशनी चली जाती है, और ये छाजन जो है ये आपका स्किन डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पायरिया हो जाएगा। ठीक है, तो दांत की बीमारी कौन सी हो जाएगी, पायरिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताप मापी का संबंध है तापक्रम से, यानी ताप मापी जो होती है वो तापक्रम को मेजर करती है। तो आर्द्रता मापी किसको मेजर करती होगी, दबाव, घनत्व, प्रतिबल और आर्द्रता। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ चलिए धीरे धीरे पढ़ाते हैं भाई, बहुत बढ़िया। पहले तुमको ये ऑप्शन देंगे करने के लिए, फिर आगे इसका ऑप्शन बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रीन पर बढ़ते हैं। दिवस का संबंध है रात्रि से, ठीक है, गोधली वेला, गोधली वेला का संबंध बताओ क्या होगा। दिवस का विलोम क्या होता है, रात्रि, यानी दिन का विलोम क्या होता है, रात्रि। तो गोधली वेला जो होता है ना बाबू, ये आपका शाम का वेला होता है, शाम को बोलते हैं गोधली वेला, क्या बोलते हैं, गोधली वेला। तो इसका हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो बताओ। हाँ हाँ, गोधली वेला मीन्स शाम होता है, क्या होता है, शाम का वेला जो होता है उसको गोधली वेला बोलते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा ना, सायंकाल नहीं होगा, मध्यकाल नहीं होगा, उषाकाल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्रातःकाल। गोधली वेला का विलोम क्या हो जाएगा, प्रातःकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे, टेलीविजन का संबंध है टेलीकास्ट से, टेलीविजन क्या करता है, टेलीकास्ट करता है, तो रेडियो क्या करता है, जल्दी से बताओ, कमेंट करके जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत लड़कों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, ऑप्शन नंबर ए, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, प्रसारण, रेडियो क्या करता है, प्रसारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कलाई का संबंध है कोहनी से, तो टखना का संबंध क्या होगा, हाँ बताइए, पैर, नहीं पैर नहीं होगा, पैर नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर। चलिए फिर से बताओ, ऑप्शन सी, हाँ देखो बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो कलाई जो होती है ना, कलाई के ऊपरी भाग को कोहनी बोलते हैं, ये कलाई हो गई, कलाई के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, कोहनी। तो टखना जो होता है पैर का नीचे वाला भाग होता है, उसके ऊपरी भाग को घुटना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घुटना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बात और, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो जब भी आप आते हैं लाइव सेशन में या YouTube पे हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये आपके स्क्रीन पे। भारत रुपया का संबंध है भारत, भारत का मुद्रा क्या है, रुपया। तो येन किसका मुद्रा है, ये पूछ रहा है, किस देश का मुद्रा येन है, टर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, जल्दी से बता दो, येन किसकी मुद्रा है, किस देश की मुद्रा येन है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जापान की मुद्रा येन है, जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी, येन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जापान, क्या हो जाएगा, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, धुआं का संबंध है प्रदूषण से, धुआं का संबंध है प्रदूषण से, तो युद्ध का संबंध किससे होगा। देखो धुआं जो होती है ना उससे प्रदूषण होता है, धुआं से क्या होता है, प्रदूषण होता है, तो युद्ध से क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध से क्या होता है, युद्ध से बताओ जल्दी से क्या होता है। अगर युद्ध होता है किसी भी
दो लोगों में युद्ध होता है तो उससे क्या हो जाएगा? विजय हो जाएगी, शांति हो जाएगी, संधि हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विनाश होता है। कभी भी युद्ध जो होता है ना, युद्ध के कारण विनाश होता है, तो युद्ध के कारण क्या होता है? विनाश होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाँ, ये सारे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ में दे दिए जाएंगे, हाँ आपके टेलीग्राम पे भेज दिए जाएंगे। हाँ, एनालॉजी के 100 क्वेश्चन होंगे और सारे के आंसर भी आपको दिए जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है। नहीं समझ में आएगा, अगले सेशन में पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम। चलिए, स्याही का संबंध है कलम से। देखो, स्याही किस में डाली जाती है? स्याही किस में डाली जाती है? कलम में डाली जाती है। तो रक्त किस में भरा होता है? तो सिराओं में भरा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सिराओं। सिराओं में क्या भरा होता है? रक्त भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जमना का संबंध है हिम से, यानी किसी वस्तु को अगर पानी को जमा दोगे तो क्या बन जाएगा? हिम मतलब होता है बर्फ, तो जलने से क्या होगा? तो जलने से बाबू राख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राख, किसी चीज को जलाओगे तो क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, विलंबी का विलोम होता है शीघ्रकारी। विलंबी यानी कोई काम देर से हो और शीघ्रकारी मतलब तुरंत हो, तो सीधा का विलोम क्या हो जाएगा? टेढ़ा मेढ़ा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टेढ़ा मेढ़ा। क्या हो जाएगा? टेढ़ा मेढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, तो पंजे का संबंध है बिल्ली से। पंजे का संबंध किससे? बिल्ली से, यानी बिल्ली का पंजा होता है। खुर किसका होता है जल्दी से बता दो? घोड़ा, मेमना, हाथी, शेर। यस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नहीं बाबू, बी नहीं होगा, मेमना का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। घोड़े का खुर होता है, किसका खुर होता है? घोड़े का। चलिए, हाँ, खुर किसका होता है? घोड़े का। जैसे बिल्ली का पंजा होता है, उसी तरह खुर जो होता है घोड़े का होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।